धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। आइए इस वीडियो में आपको हम निधिवन का पूरा दर्शन कराते हैं। दोस्तों, लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुंथी हुई प्रतीत आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि निधिवन में जो आपस में गुंथे हुए वृक्ष हैं, वही रात में श्री कृष्ण की रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई है। निधिवन के अंदर जो 15-20 समाधियां बनी हैं, संगीत सम्राट एवं धुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी और अन्य आचार्यों की समाधियां हैं, जिन पर उन आचार्यों के नाम और मृत्यु तिथि के शिलालेख लगे हैं। इसका उल्लेख निधिवन में लगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन्हीं समाधियों की आड़ में ही गाइड यह भ्रम फैलाते हैं
की जो रासलीला देख लेता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और यह सभी उन्हीं की समाधियां हैं।